लेक्चर के स्टार्ट से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इल्म को बांटने का जो सिलसिला है वो चलता रहे। शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी से जो नेक्स्ट टॉपिक अब आता है वो है इलास्टिक लिमिट एंड द यील्ड स्ट्रेंथ। ये टॉपिक बेसिकली मटेरियल्स के टेंसाइल टेस्ट पर बेस करता है। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसके दो जॉज हैं, उन जॉज के अंदर हम कोई भी मेटेलिक वायर या कोई भी पीस जिसका हमने टेंसाइल टेस्ट करना हो, यानी उसे खींच के उसकी मजबूती चेक करनी हो, इस टेस्ट को कहते हैं टेंसाइल टेस्ट। ये जो मशीन है ये डिजिटली स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज रिकॉर्ड करती है, उन वैल्यूज को कंप्यूटराइज्ड वे में एक ग्राफ की शक्ल भी दी जा सकती है, वो ग्राफ हम स्टडी करेंगे यहां पर। तो व्हेन अ टेंसाइल टेस्ट हैपेंस एंड वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सबसे पहले ये होता है कि स्टार्ट में विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द, हम सिंपली पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन। यानी फर्स्ट केस ये है कि जो स्ट्रेस है सिग्मा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है जब तक के स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल रहे, स्ट्रेन के। जहां तक ये लाइन स्ट्रेट बनती है इसको एक सिग्मा यानी स्ट्रेस पॉइंट से मेंशन किया जाता है, इसको कहते हैं सिग्मा पी, द प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनल लिमिट, वो लिमिट जहां तक हुक्स लॉ ओबे होता है, जहां तक हुक्स लॉ ओबे होता है, और जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनली उतना ही स्ट्रेन क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद अगर हम फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं देन इट सेज कि जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है ये खत्म हो जाती। मटेरियल इलास्टिक तो रहता है, इलास्टिक रहने का मतलब है कि आप इस पॉइंट से आगे भी अगर स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं, यहां से स्विच ऑफ कर देते हैं मशीन को, द मटेरियल विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। सो रिमेंबर, प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। बट आफ्टर, इफ ऑनवर्ड द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे लेकिन मटेरियल फिर भी क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। तो दो वर्ड्स गौर से सुनने, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन अभी भी मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। यानी इस पॉइंट तक जहां तक मटेरियल विदाउट प्रोपोर्शनैलिटी भी इलास्टिक है, इसको सिग्मा ई से डिनोट करते हैं। इसी लिमिट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का, और यहीं तक मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है यील्ड पॉइंट। यानी मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी खोए बगैर इस पॉइंट तक डीफॉर्म हो सकता है। मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को खोए बगैर, इलास्टिसिटी क्या था, द एबिलिटी टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और प्लास्टिसिटी क्या था, द एबिलिटी नॉट टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। सो ये आ गई इलास्टिक लिमिट। मोस्टली ये देखा गया है कि जब मटीरियल्स में तकरीबन 0.2% इनलोंगेशन, ये जो डेल एल होता है इसे इनलोंगेशन कहते हैं, जब मटेरियल्स में तकरीबन 0.2% तक इनलोंगेशन क्रिएट हो जाती है तो मोस्टली मेटालिक प्रॉपर्टीज में ये देखा गया है मेटल्स में कि उनकी कौन सी लिमिट ग्राफ में आ जाती है, इलास्टिक लिमिट। यानी जब उन्हें खींचा जाए और वो 0.2% तक इनलोंगेट हो चुके हों तो उनकी कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, इलास्टिक लिमिट। अच्छा, अब क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर फिर फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज किया जाए तो मटेरियल परमानेंटली डीफॉर्म हो जाता है, परमानेंट डीफॉर्मेशन। परमानेंट डीफॉर्मेशन करते करते जैसे लोहा है, आप उस पर हिट करते हैं तो वो फैलना शुरू कर जाता है, फैलते फैलते आखिरकार बारीक होता चला जाएगा और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके टूट जाएगा। तो हम उसे हिट करते रहें करते रहें, टूटने से जरा पहले तक आखिर वो कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है,
वो मैक्सिमम फोर्स या वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है उसको कहते हैं सिग्मा एम, द मैक्सिमम स्ट्रेस। और इस पॉइंट का एक और भी नाम है यू टी एस, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो मटेरियल शो करता है टूटने से पहले पहले। अब फिर फर्दर अगर स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली मटेरियल इतना बारीक और इतना नरम पड़ चुका होगा कि अब एक भी फर्दर हिट अगर उसको किया गया तो इट विल ब्रेक। तो वो पॉइंट जहां पे आके मटेरियल ने ब्रेक कर जाना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिग्मा एफ। इसे कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस। वो पॉइंट या वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिस पे हम मटेरियल को तोड़ देते हैं, मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट स्ट्रेस इज नेम्ड एज फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब ये जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है इसको ब्रेकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सिंपल पॉइंट एंटीटेस के हवाले से मैं हिंट बता रहा हूं कि जो ब्रेकिंग फोर्स होती है मटेरियल्स की, कि मटेरियल्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ऐसा नहीं है कि एक लंबी तार को तोड़ना आसान होगा, एक छोटी तार को तोड़ना मुश्किल होगा। अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म से तोड़ेंगे तो दोनों सेम फोर्स से टूट जाएंगे। लेकिन ये इसकी जो डिपेंडेंस है ब्रेकिंग फोर्स की, ये एरिया, रेडियस और डायमीटर पे होती। एक थिन वायर को तोड़ना आसान है और एक थिक वायर को तोड़ना मुश्किल है। सो थिन वायर की ब्रेकिंग फोर्स कम होगी और थिक वायर की ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगी। तो ये हो गया ब्रेकिंग फोर्स। अच्छा, अब इस ग्राफ को हम एक और मीनिंग्स में कैटेगराइज करते हैं। वो कैटेगरी क्या है? नेचर में मटेरियल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक वो जो इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म होते हैं, एक वो जो प्लास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म होते हैं। ये रीजन इसको कहते हैं इलास्टिक रीजन, क्योंकि मटेरियल्स इलास्टिक लिमिट तक कौन सी डिफॉर्मेशन करेंगे? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और सिग्मा एम तक कौन सी डिफॉर्मेशन करेंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दिस रीजन इज नेम्ड एज प्लास्टिक रीजन। अच्छा, मटेरियल्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं कि उन पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद उन्होंने टूट जाना है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ग्लास। कौन सी एग्जाम्पल है? ग्लास। इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद में देखो, अगर ग्लास को हिट करें तो पूरे का पूरा प्लेन ही उसका क्रैक ज्यादा हो जाता है। तो वो मटेरियल्स जो टूट जाएंगे राइट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, उनको हम नाम देंगे ब्रिटल सब्सटेंसेस का। क्या नाम देंगे? ब्रिटल सब्सटेंसेस का। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो राइट आफ्टर इलास्टिक लिमिट टूट बैठे, उन्हें क्या कहेंगे? ब्रिटल। अगर आपको एमसीक्यूज में ग्राफ आएगा तो आपको एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ बना के दिया होगा। अब आपने खुद ही असेस करना है कि यहां तक तो प्रोपोर्शनल लाइन है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर्व ये शो करता है कि ये किस लिमिट तक डिफॉर्म हो रहा है। और उसके बाद ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब उसके बाद मटेरियल टूट चुका है। तो ये ग्राफ किस मटेरियल का होगा? ब्रिटल सब्सटेंसेस का। किसका? तो बुक पे दो एग्जांपल्स है, एक ब्रिटल सब्सटेंसेस में ग्लास की एग्जांपल और एक हाई कार्बन स्टील जो है वो एज एन एग्जांपल लिखा हुआ। अच्छा, वो मटेरियल जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो कर गए, अब उसके बाद परमानेंट डिफॉर्म होने के बाद भी मुसलसल डिफॉर्म होते चले जाएंगे। जैसे जितनी मेटल्स हैं, अगर उनमें ये एबिलिटी ना हो तो हम तो लोहे को कभी शक्ल ही ना दे सकें। लेकिन लोहे को हथौड़ा मारें तो वो फैलता है, उसको डिफरेंट शेप्स में आप माउल्ड कर सकते हैं। तो वो मटेरियल्स जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते चले जाएं, उन्हें हम नाम देते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस का। किसका नाम देते हैं? तो जो जीरो से लेकर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी यूटीएस तक जाते हैं और इवन फ्रैक्चर स्ट्रेस तक जाते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? डक्टाइल। और जो राइट आफ्टर इलास्टिक लिमिट टूट जाए, उन्हें कहते हैं ब्रिटल। एक थर्ड टाइप ऑफ, अभी यहाँ पे डक्टाइल कि ये ग्राफ प्रोपोर्शनल तक भी है, इलास्टिक तक भी है और आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक भी गया हुआ। सो अगर आपको एक ग्राफ जिसमें नॉमिनेट किया गया हो स्ट्रेस और स्ट्रेन साइड्स को, और ग्राफ को प्रोपोर्शनल, इलास्टिक और फिर काफ़ी सारा कर्व देकर मैक्सिमम लिमिट तक ड्रॉ किया गया हो और ऊपर कुछ लेबलिंग ना हो, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम कैट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तीन ग्राफ्स बने हुए हैं और तरतीब से लिखा हुआ है कि ग्राफ किन किन सब्सटेंसेस के हैं, ब्रिटल डक्टाइल पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ब्रिटल डक्टाइल, ठीक है। यानी तरतीब बदल के, मटेरियल्स तीन ही थे, तो वो ग्राफ जो ज्यादा कर्व शो करेगा वो किस मटेरियल का होगा? डक्टाइल सब्सटेंस। फिर सॉलिड्स में
एक टाइप आती है पॉलीमेरिक सॉलिड्स, जो हमने स्टार्ट में स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। इनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा होता है। ये जब डीफॉर्म होते हैं तो किसी और रास्ते से वैल्यूज आती, और जब ये दोबारा रीस्टोर होते हैं तो तब इनके स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यूज डिफरेंट हो जाती। यानी डीफॉर्म होते हुए ये और पॉइंट्स फॉलो करते हैं, रीस्टोर होते हुए और पॉइंट्स फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये कर्व एक लूप की तरह बनती है। इसको पॉलीमर्स का ग्राफ कहते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वे में याद रखना, बुक पे ही नहीं बना हुआ। और इस शेप को या इस शेप के बनने को हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस का भी नाम देते हैं। किस चीज का? इलास्टिक हिस्टेरेसिस का। अब थोड़ी सी स्मार्ट इंफॉर्मेशन और, कि जब बच्चों हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो हर ग्राफ में एरिया और स्लोप, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। स्लोप होता है द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, एरिया होता है द प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस क्वांटिटी। अब यहां पे है स्ट्रेस और यहां पर है स्ट्रेन, तो दो आसान सी बातें। आपके पास एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, आप इसे बना लें प्रोपोर्शनल लिमिट तक। किस लिमिट तक? उसकी वजह, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों, तभी कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कौन सा? लिहाजा ग्राफ भी किस लिमिट तक बनेगा? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। सो आपने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, अब आप इसके वाई एक्सिस की क्वांटिटी यानी स्ट्रेस को डिवाइड करें इसके एक्स एक्सिस की क्वांटिटी यानी स्ट्रेन पर, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये रेशो क्या चीज बताती है? इलास्टिसिटी। क्या बताती है? सो वी कैन सिंपली स्टेट दैट जब आप कभी स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनाए और फाइंड करें उसकी स्लोप, तो एक्चुअल में आप क्या फाइंड करेंगे? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कौन सी इलास्टिसिटी? यंग बल्क और शेयर क्वेश्चन विद आंसर। टेस्ट कौन सा है? टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेन, कौन सा मॉडुलस होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अगर आपके पास यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है तो यंग मॉडुलस है स्लोप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो बल्क मॉडुलस इसकी स्लोप है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन है तो शेयर मॉडुलस है। एंड नंबर टू, आपने एक ग्राफ बना लिया, लेट्स आपको दो मटेरियल्स का पूछा जाता है कि ये आपके पास मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, बताएं इन दोनों मटेरियल्स में से ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? रिमेंबर दैट अभी आपने कहा कि इलास्टिसिटी स्लोप है। इलास्टिसिटी क्या है? एंगल जितना ज्यादा होता है, याद रखें स्लोप भी उतनी ज्यादा होती है। आप सिंपल याद रखें, जहां एंगल कम है उस मटेरियल की इलास्टिसिटी, और जहां एंगल ज्यादा उस मटेरियल की इलास्टिसिटी भी ज्यादा, तो बी इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल ए। नंबर टू, अब दूसरा केस है कि जब ये ग्राफ बनता है तो अब यहां से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है। अब हमने अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हमें बेसिक मैथमेटिकल रूल लगाना पड़ेगा कि हमें इसके एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट चूंकि ये ट्राइंगल है तो साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर जब हम 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन परफॉर्म करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है एनर्जी डेंसिटी की। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रोसीड करेंगे कल, तो तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है। फिलहाल आपने दो बातें जबानी याद रखनी है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इलास्टिसिटी, एंड एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स एनर्जी डेंसिटी। आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी कह सकते हैं कि अगर टोटल एनर्जी जो मटीरियल में स्टोर हुई है उसको आप मटीरियल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो दैट एनर्जी इज नेम्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और रीड एज एनर्जी डेंसिटी। तो ये है बच्चों पूरा टॉपिक द इलास्टिक लिमिट एंड द यील्ड स्ट्रेंथ। अल्लाह हाफिज़।